और अब एक खास पेशकश, शोर कम काम ज्यादा। कुछ लोग होते हैं जो कि बिना शोर शराबे के अपना काम करते जाते हैं। डीएम के नेता और तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष एम अप्पावू भी ऐसे ही लोगों में आते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र राधापुरम में पानी की दिक्कत दूर करने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष और 72 साल के विधायक अप्पावू दक्षिणी तमिलनाडु के राधापुरम निर्वाचन क्षेत्र में तीन नदियों को जोड़ने की परियोजना के अंतिम चरण की निगरानी कर रहे हैं। 2009 में शुरू की गई 800 करोड़ की लागत से बनने वाली इस 73 किलोमीटर नहर परियोजना का लक्ष्य है बाढ़ के दौरान तामीर बरनी नदी के पानी को समुद्र में बहने से रोक कर सूखाग्रस्त तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली जिलों की 50,000 एकड़ जमीन सींची जा सके। लगभग एक दशक तक ये योजना लटकी रही, लेकिन चार बार के विधायक ने पिछले 3 साल में इस पर तेजी से काम करवाया है। मैं बहुत खुश हूं कि 30-40 साल बाद राधापुरम क्षेत्र के इलाके, खासकर तियावल विलई, सातनकुलम, उदनगुड़ी और तिरुचेंदूर जैसे सूखाग्रस्त इलाके उपजाऊ हो गए हैं। २०२३ की बाढ़ में इस नहर की आजमाइश हुई जिसमें ये कामयाब रही। यहाँ रहने वाले कुमार जैसे किसानों को खेती की नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब हमें 5,000 रुपए प्रति फसल मिलते हैं। अगर पानी लगातार आता रहा तो हम 5,000 और कमा लेंगे। अब पावू ने 1,000 करोड़ रुपए की योजना मंजूर करवा कर बारहमासी नदी तमार बरनी के जरिए 360 गांव के 96,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाया। इरादा है अगले साल तक 7 नगर पंचायतों में 80,000 परिवारों तक ये सुविधा पहुँचाई जाएगी। एक साल में राधापुरम सीट के सभी गांव में पीने का पानी का कनेक्शन लग जाएगा। गांव की एक भी मां को पानी के लिए मटका लेकर घर से निकलना नहीं पड़ेगा। यही नहीं, गरीबों को आसरा देने के लिए करीब 1,000 पक्के मकान भी बनवाए जा रहे हैं। अब अप्पावू इस इलाके में औद्योगिक विकास करना चाहते हैं। उनके विरोधियों का कहना है कि वो विधानसभा अध्यक्ष होने का फायदा उठाकर सारी सरकारी योजनाएं अपने क्षेत्र में ले जाते हैं, जबकि अप्पावू का दावा है कि वो जनता के साथ मिलकर काम करते हैं। चेन्नई में सुरेश के साथ सैम डैनियल, एनडीटीवी इंडिया।